नमस्कार डीएनएक्स वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित देवनारायण शर्मा जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे पूजा कक्ष को घर के किस दिशा में और कहाँ होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो पूजा कक्ष है वो ईशान कोण पे बनाना चाहिए। पूरे भवन का जो उत्तर और पूर्व का कोना होता है वो सबसे साफ सुथरा और समृद्ध कोना माना गया है। ईशान कोण का जो स्वामी है वो भगवान शिव हैं। इस स्थान का जो स्वामी ग्रह है वो गुरु हैं। इसलिए गुरु ज्ञान की प्रवृत्ति देता है, ध्यान की प्रवृत्ति देता है। तो भगवान शिव जहाँ पे साक्षात विराजमान है उस स्थान पे अगर भवन के हिस्से में हम पूजा कक्ष बनाते हैं तो हमारा जो वो पूजा है, नियमित रूप से जो हम पूजा करते हैं वो भगवान को शीघ्र से शीघ्र अर्पित होता है। अगर किसी वजह से ईशान कोण पे जगह नहीं है तो हम उसको पूर्व की दिशाओं पे बना सकते हैं। जब हम पूर्व में पूजा कक्ष निर्मित करें तो हम उसकी व्यवस्था ऐसी रखें कि भगवान का जो बिठाने की जगह है वो पूर्वी दीवार पे हो और पूजा करने वाले का जो मुंह है वो पूरब की तरफ रहे। मतलब भगवान का जो मुंह है वो पश्चिम हो जाए और पूजा करने वाला पूर्वाभूमि होके बैठे। केवल उसमें तीन जो भगवान हैं उसको हम दक्षिण की दीवार पे बिठाते हैं। उत्तर दीवार पे बिठा के दक्षिण की तरफ उसका मुँह रहता है। भगवान शिव, हनुमान जी और भैरव बाबा, इनका जो मुंह है वो हमेशा दक्षिण दीवार पे होता है। बाकी सारे जो भगवान हैं उसको पूर्व और पश्चिम की ओर मुंह करके रखते हैं। अब अगर किसी वजह से पूरब में और ईशान में भी स्थान नहीं है, स्थान अगर पूजा के लिए नहीं निकल पा रहा है तो तीसरे चॉइस में हमारे पास में उत्तर दिशा आता है। उत्तर दिशा में भी पूजा रूम बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा करते समय जातक का मुंह पूरब की तरफ हो। पूरब की दीवार पे सारे भगवान को बिठाना चाहिए। प्लेटफॉर्म जो है वो पूरब की दीवार पे बने और हम जब पूजा करें तो हमारा जो मुंह है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। एक सबसे सावधानी जो रखनी चाहिए, कई बार पूजा कक्ष बनाते समय नीचे एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, सॉलिड प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जिससे घर का ईशान कोण ऊंचा और भारी हो जाता है। तो भगवान को तो ऊपर बिठाना आवश्यक है, तो उसका उपाय क्या हो? उसके लिए हम लोग उपाय करते हैं कि या तो लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाएं और नीचे पोला रहे, नीचे में हम फर्नीचर बना दें जिसमें भगवान को चढ़ने वाले सारी सामग्री नीचे रह जाए और प्लेटफॉर्म ऊपर हो जाए, या ग्रेनाइट से प्लेटफॉर्म बनाएं या फिर मार्बल का प्लेटफॉर्म बना के नीचे के हिस्से में भगवान को चढ़ने वाली सामग्री को हम रख सकते हैं। इसके अलावा अक्सर हमने देखा कि अगर यह पूजा कक्ष दूसरे स्थान पे बन जाता है तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। वायव्य कोण पे अगर आपका पूजा कक्ष निर्मित हो गया है तो वायव्य कोण पे बैठ के पूजा करने से हमारा मन हमेशा चंचल रहेगा। क्यों? क्योंकि वायव्य कोण का जो तत्व है वो वायु तत्व है और वायु जो तत्व है वो चंचल प्रवृत्ति देता है, मन को हमेशा अस्थिर रखेगा। और अस्थिर मन से किया गया पूजा, जाप, मनन, चिंतन कभी भी ईश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता। अगर आपका शयन कक्ष नैऋत्य, अगर आपका पूजा कक्ष नैऋत्य कोण पे बन गया हो तो ऐसे पूजा कक्ष में अक्सर लोग तांत्रिक गतिविधियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, समाज के बारे में भी नहीं सोचते और अपने घर के सदस्यों के बारे में भी नहीं सोचते। तो मेरा अनुरोध है कि अगर ऐसे स्थान पे पूजा कक्ष
बन गया हो तो कृपया करके आप पूजा करते समय आपका जो मुंह है उसको पूरब की तरह हमेशा रखें। कई बार हमने देखा है कि पूजा जो कक्ष है उस कक्ष के ऊपर में सामान रखने की जगह बना दी जाती है, जबकि भगवान के ऊपर में जहां आपने अपने देवताओं को बिठाया है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कचरे, गंदगी या अलमारी या सामग्री नहीं रखनी चाहिए। कई बार यह देखा गया है कि सीढ़ियों के नीचे भी भगवान को स्थापित कर दिया जाता है। हम अपने लिए तो बड़े बड़े कमरे निकालते हैं, बड़े बड़े शयन कक्ष बनाते हैं, बड़े बड़े शौचालय कक्ष का निर्माण करते हैं, लेकिन भगवान को हम सीढ़ी के नीचे कचरे की जगह पे रख देते हैं। आप सोचिए, अगर आप उस ईश्वर, उस परमात्मा जिसने आपको सब कुछ दिया हुआ है, अगर हम उसके ऊपर से सीढ़ी में चढ़ के जाते हैं तो हमारी वो क्या गति करने वाले हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले जब आप अपने घर का निर्माण करने जा रहे हैं या आपने निर्मित कर लिया है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो जरूर ध्यान दें कि पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो हमारी पूजा कक्ष की होनी चाहिए। अगर आपके घर में बहुत सारे दोष हैं लेकिन अगर आपने पूजा कक्ष को सही स्थान पे निर्मित किया हुआ है तो वो बाकी दोषों की रक्षा करता है, बाकी दोष को वो कम कर देता है, क्योंकि मुख्य जो ऊर्जा है वो ईशान कोण से आकर के नैऋत्य कोण की ओर प्रवाहित होता है। तो क्यों ना हो कि आज हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो पूजा का जो कक्ष है वो ईशान पे, पूरब पे या उत्तर दिशा पे निर्मित हो जाए, जिससे हम घर के अंदर, हमारे अंदर सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो जाए। पंडित जी, पूजा कक्ष के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स। अगर आप पूजा कक्ष आपका बड़ा है तो मैं आज आपको एक टिप्स बताऊंगा, आप उसको करके देखें। सबके घर के अंदर पानी का एक लोटा, पूजा के लिए एक जो हम तांबे का, पीतल का एक लोटा रखते हैं, आप उस लोटे में ईशान कोण पे जो आपका पूजा कक्ष है उसके प्लेटफॉर्म पे उत्तर पूरब के कोने पे उस पानी के छोटे से आप उसको रख करके उसके ऊपर पे आप ढक्कन लगा दें और उसमें पीले रंग का चावल रख दें और चावल में एक छोटी सी नारियल मिलती है वो नारियल को आप रख दें और उस पानी को, वो जो पानी आपने लोटे के अंदर रखा हुआ है उसको रोज आप नया बदल दें और वो जो पानी है उस पानी को घर के आठों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें और बचे हुए पानी को आप अपने जो तुलसी रखते हैं उसमें चढ़ा दें, तो ये प्रकार से घर का शुद्धिकरण करता है। क्योंकि जाने अनजाने हमारे घर पे नकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश हो जाता है, तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए यह जो पानी का छोटा सा कलश है ये बहुत काम का है।